हेलो फ्रेंड्स, अनएकेडमी आपके लिए लेके आया है लेजेंड बैच। जो बच्चे 2022 के लिए जेई मेंस एंड एडवांस की तैयारी कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट्स इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो है ये पूरी की पूरी बंसल की बैच है। जी हाँ, इसमें समीर बंसल सर हैं, आरती बंसल मैम हैं, फयाज सर हैं और एम ए हक सर हैं। और ये बैच जो है ये 12 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। इस बैच में जैसे कि मैंने कहा कि ये जो है इस बैच में आपको पूरी बंसल की टीम मिलेगी। देखिए, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द बंसल समीर बंसल सर हैं, जो कि आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, 18 साल से मैथ्स पढ़ा रहे हैं। द सेम वे आरती बंसल मैम, ये भी जो है आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। साथ ही में शाहनवाज फयाज सर आपको यहाँ पर गाइड करेंगे, एम ए हक सर आपको गाइड करेंगे। और ये जो टीम है आपको पूरी तरह से तैयार कर देगी आपके 2022 की एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, आप इस बैच के लिए इनरोलमेंट कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो प्रोमो कोड है पवन वाग वो लगाना है, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप 10% का डिस्काउंट चाहते हैं तो प्रोमो कोड पवन वाग लगाइए, जिससे ये जो प्राइस यहाँ पर लिखी है इससे और ये रिड्यूस हो जाएगी। मतलब जो अगर आप 6 मंथ का लेते हैं, आप 12 मंथ का लेते हैं, तो जो भी ये प्राइस लिखी है इसमें से सीधे सीधे 10% कम हो जाएगा। तो ज्वाइन कीजिए इस बैच को। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपके प्रेशर के यूनिट कन्वर्शन को। ये जो कन्वर्शन, ये वाला जो आपका लेक्चर है ना, ये वाला लेक्चर आपका बेसिक कन्वर्शन पार्ट 2 पे बेस्ड है। तो मैंने आपको जैसे कि प्रीवियस वाले क्लास में बताया था कि हमारे बेसिक कन्वर्शन के 2 पार्ट है, राइट? बेसिक कन्वर्शन का पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी देख चुके और अब हम लोग देख रहे हैं पार्ट 2। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर वो लोग इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं तो इस वीडियो से पहले देख के, इस वीडियो के पहले आप लोग पार्ट 1 का एक बार वीडियो देख लो, उसके बाद इस वीडियो को कंप्लीट करो। क्योंकि कैसा है ना, अगर आप वो वाला पार्ट नहीं देखते हो तो ये वाले पार्ट में आपको लिटिल बिट प्रॉब्लम जाएगी, ठीक है? इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक बार उसको देखो, उसको कंप्लीट कर लो, उसके बाद इसको कंप्लीट करना, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं। इस वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे बेसिक कन्वर्शन टेम्परेचर का कैसे होता है, प्रेशर का बहुत हेल्पफुल रहेगा, और टेम्परेचर का, और टेम्परेचर के अलावा डेंसिटी का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डेंसिटी का भी कन्वर्शन करते नहीं आता है, वो भी न्यूमेरिकल में आता है। और न्यूमेरिकल कहाँ आते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। सो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको बहुत हेल्प मिलेगा, 11th में हो तो 11th में भी मिलेगा, 12th में भी मिलेगा। 11th में अगर आप हो तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा 11th और 12th के कन्वर्शन में, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, और मिस्टेक भी नहीं होगी तो मार्क्स पूरे मिलेंगे, राइट? 12th में हो तो 12th में हेल्प मिलेगा, एंट्रेंस में भी हेल्प मिलेगा। क्योंकि एंट्रेंस में देखो क्या होता है, एंट्रेंस में अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ना, तो देखो वहाँ पे आपको आपका आंसर अगर निकलता है सपोज मीटर में, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शंस में आपको मीटर दिया ही नहीं होता है, ऑप्शन में आपको अलग अलग यूनिट दिए जाते हैं, पिकोमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, और फिर आप वहाँ कन्फ्यूज रहते हो। आपका आंसर सही निकला, नो डाउट, आपने आंसर बराबर मीटर में ही निकाला, बट क्या भरोसा कि MHT CET में या JEE में आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आपने देखा होगा। मैंने देखा, इसलिए मैं बता रही हूँ, वहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जहाँ पे आपको आंसर मीटर में ऑप्शन ही नहीं दिखता है, पिकोमीटर में दिखेगा, नैनोमीटर में, तो फिर वहाँ आपका मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि आपको वो यूनिट कन्वर्जन नहीं आता है, फिर आपको वहाँ पे ऐसा लगता है कि क्यों नहीं आ रहा है। तो अब देख लो, एक बार देख लो कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं प्रेशर के यूनिट कन्वर्जन को। प्रेशर यूनिट कन्वर्जन, ये हमारा 4th वाला यूनिट कन्वर्जन रहेगा, क्योंकि बेसिक कन्वर्जन पार्ट 1 में हम लोग ऑलरेडी 3 बेसिक कन्वर्जन देख चुके हैं, ठीक है? ये है आपका प्रेशर कन्वर्जन। ठीक है, प्रेशर कन्वर्शन के लिए आपको बस एक मोबाइल नंबर को याद करना है। अगर वो मोबाइल नंबर याद हो गया तो आपको सब कुछ आ गया, ठीक है? तो देखो वो क्या है मोबाइल नंबर। उस मोबाइल नंबर को देखने से पहले मैं कुछ लिख देती हूँ, फिर आप लिख सकते हो, ठीक है? तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज नहीं पता ना, तो आप इस कन्वर्शन को नहीं कर सकते। ट्रिक तो अपना सेम ही है, जिसको लाना है उससे मल्टीप्लाई, जिसको हटाना है उससे डिवाइड, ठीक है? यही वाला ट्रिक रहेगा। फिर से बताती हूँ, जिसको लाना है, जो चीज में आपको कन्वर्ट करवाना है उससे क्या करोगे, मल्टीप्लाई। जो चीज को हटाने का है उससे क्या करोगे, डिवाइड। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 1 bar इक्वल्स टू 760 mm ऑफ HG इक्वल्स टू 760 torr इक्वल्स टू 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 101325 पास्कल इक्वल्स टू 101.325 किलो पास्कल इक्वल्स टू 0.101325 मेगा पास्कल। बस आपको ये पता होना चाहिए। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखो इधर आपको याद रखना है 760 1760 101325
जैसे आपने अपने मोबाइल नंबर को याद कर लिया है, वैसे आप इस नंबर को भी याद कर लो, 1760101325। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। सबसे पहले आपको ये आना चाहिए, अगर ये नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये जिसको पता चल गया, देखो इधर ये है 1, तो 1 1, 760 760 760, 1013251, 1013251। देखो हर जगह पे वही वाली चीज आ रही है। दूसरी चीज आपको देखो क्या रट्टा नहीं मारना है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत हेल्प मिलेगा। ये है आपका 1013251 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है उतना ही क्या है, पास्कल। अगर 1013251 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसी का मतलब क्या हुआ, 1013251 आपका पास्कल है। अब ये है आपका पास्कल, और मुझे पास्कल को किलो पास्कल में लिखना है, तो मैं क्या करूंगी, देखो तीन नंबर के बाद डॉट लगा दूंगी। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने बेसिक ऑफ यूनिट कन्वर्जन पार्ट 1 में देखा था कि किलो का मतलब क्या होता है, 10^-3 या +3। 3 आता है ना किलो, मतलब 10^+3। इसलिए मैंने देखो तीन नंबर की यहाँ पे ले लिया है। याद करो बेसिक ऑफ यूनिट कन्वर्जन पार्ट 1 में मैंने आपको क्या बताया था, मेगा पास्कल का मतलब क्या होता है, 10^+6। मतलब 10 मेगा मतलब क्या होता है, 10^+6। ठीक है, तो देखो मैंने 6 डिजिट के ऊपर पार बाने पॉइंट दिया है, 1 2 3 4 5 6। रट्टा नहीं मारने का, सिर्फ समझो आप इस चीज को। तो 1013251 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। 1013251 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का ही मतलब 1013251 पास्कल भी होता है। अब ये है आपका पास्कल, अगर मुझे किलो के टर्म्स में लिखना है तो मैं क्या करूंगी, 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगाऊंगी। मेगा के टर्म्स में लिखना है तो मैं क्या करूंगी, 6 डिजिट के पहले पॉइंट लगाऊंगी। तो ये हुआ आपका यूनिट कन्वर्जन का पार्ट। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, ये तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहली चीज ये, आप इस चीज को अच्छे से समझ लो, रट्टा मान लो हो सके तो इस मोबाइल नंबर को, तो आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इस चीज को अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास कितना भी डेटा हो बट अगर हमें अप्लाई करते नहीं आता है तो हम लोग क्या करेंगे ना, तो हमें अप्लाई करते भी तो आना चाहिए। तो अब हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट के बिना स्टार्ट करते हैं कि हम लोग कैसे क्या प्रेशर के यूनिट कन्वर्जन को करेंगे। ये आपको कहाँ पे हेल्प मिलेगा मैं बताती हूँ। आप जब थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स करते हो तो वहाँ पे आपको प्रेशर अलग अलग टर्म्स में दिया जाता है। कभी आपको प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया जाता है, कभी आपको बार में दिया जाता है, और आपको कभी कभी प्रेशर को लीटर में लेना होता है। अगर आपने वो सेम प्रेशर ले लिया यूनिट में तो आप गलत करोगे, तो आपको उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, राइट। वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगा इसका। साथ ही साथ आ जाओ सॉल्यूशन केमिस्ट्री के चैप्टर ऑस्मोटिक सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में आपको चैप्टर नंबर 2 जो है 12th स्टैंडर्ड का, वहाँ पे आपको प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर आता है, प्रेशर, वहाँ पे भी आपको ये वाला कन्वर्शन बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। थर्मोडायनेमिक्स में जब आप वर्क निकालते हो ना, -nRT ln of P2/P1, तो P2 और P1 क्या होते हैं आपके, प्रेशर, वहाँ पे हेल्प मिलती है। ठीक है, सो देखते हैं हम लोग कन्वर्शन को ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। ठीक है, मैं आपको कन्वर्शन दिखा दे रही हूँ, मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिस्टेड आउट कर रही हूँ, वही वाले एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, 5 एटमॉस्फेयर का मतलब कितना बार होगा। 5 एटमॉस्फेयर क्या है, प्रेशर। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे यूनिट किसके हैं, प्रेशर के, राइट। चलिए, ठीक है, प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर मतलब कितना बार होगा आपको पूछा गया है, ध्यान से सुनना। देखो आपको कन्वर्ट करना है 5 एटमॉस्फेयर को, इसका मतलब क्या हुआ पता है क्या, इसका मतलब ये हुआ आपको इस एटमॉस्फेयर को बार में कन्वर्ट करने का है, बार में, हाँ बार आपको लाना है। 1 एटमॉस्फेयर का मतलब ही कितना होता है, 1 बार, तो बार मुझे लाना है, और जो भी चीज मुझे लानी होती है मुझे उससे क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। इसलिए मैं करूंगी मल्टीप्लाई बार से। मैंने 1 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे इस यूनिट, इस सीरीज में 1 बार होता है, इसलिए मैंने 1 बार से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि मुझे बार लाने का है। मुझे हटाने का क्या है यहाँ से, मुझे हटाने का है यहाँ से एटमॉस्फेयर को, तो जो भी चीज मुझे हटानी होती है मुझे उससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। देखो इस सीरीज में एटमॉस्फेयर कहाँ पे आ रहा है, एटमॉस्फेयर आ रहा है यहाँ पे, और कितना एटमॉस्फेयर आ रहा है, 1। मुझे एटमॉस्फेयर को यहाँ से हटाने का है, इसलिए मैं एटमॉस्फेयर से क्या करूंगी, डिवाइड। ठीक है, समझ लो ध्यान से, जब भी आपको किसी भी चीज को लाना है तो आपको उससे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। देखो 1 बार है इसलिए मैंने यहाँ 1 बार लिया। जब भी आपको किसी चीज को हटाने का है, जैसे कि इसको हटाने का था एटमॉस्फेयर को, तो मैंने उससे क्या किया है, डिवाइड। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5
बार ये एटमॉस्फेयर से कैंसिल हो जाता है, समझ गया? करो इस चीज़ को, आप लोग इस चीज़ को अभी निकाल सकते हो कि 10 एटमॉस्फेयर का मतलब कितना बार होगा, ठीक है? कभी कभी आपको ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि बताओ 7 बार का मतलब कितना एटमॉस्फेयर होगा। कभी कभी न्यूमेरिकल में एग्जामिनर आपको बार देता है, एटमॉस्फेयर नहीं देता। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि 1 एटमॉस्फेयर का मतलब एक बार होता है। बार और एटमॉस्फेयर एक जैसे होते हैं, किसी को पता ही नहीं होता है। जिसको पता होता है वो कर लेते हैं, है ना? देखो इधर, यहाँ पे है 10 एटमॉस्फेयर। अभी मुझे लगता है हमें इतना बड़ा झमेला सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि हमें पता है एक एटमॉस्फेयर का मतलब एक बार होता है। तो 10 एटमॉस्फेयर का मतलब कितना बार होगा? 10 बार। 7 बार का मतलब कितना एटमॉस्फेयर होगा? 7 एटमॉस्फेयर। तो बार मतलब ही एटमॉस्फेयर होता है, 1 बार इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेयर। तो हम लोग इसको तो डायरेक्टली कर सकते हैं, 10 एटमॉस्फेयर मतलब 10 बार, 7 बार मतलब 7 एटमॉस्फेयर, ठीक है? चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को। पहले उससे स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग क्या करो ना, मैं आप लोग को 2-3 एग्जाम्पल दे रही हूँ, उनको भी सॉल्व करो, कमेंट में ज़रूर डालना। मैंने आपको दिया है 20 एटमॉस्फेयर का मतलब कितना बार होगा, ठीक है? दूसरा कमेंट दिया है, मतलब दूसरा क्वेश्चन दिया है 40 बार का मतलब कितना एटमॉस्फेयर होगा, ठीक है? ये दोनों कर लेना, ठीक है? प्रैक्टिस हो जाता है अपना ही, राइट? अब मैं आपको नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल करवा रही हूँ, 5 एटमॉस्फेयर का मतलब कितना एमएम ऑफ एचजी होगा। एमएम ऑफ एचजी किसका प्रेशर है, किसका यूनिट है? एमएम ऑफ एचजी आपके प्रेशर का यूनिट है, ठीक है? चलो आ जाओ इधर, ये है आपका 5 एटमॉस्फेयर। आपको एटमॉस्फेयर का कन्वर्शन काय में करने का है? एमएम ऑफ एचजी में, मतलब आपको एमएम ऑफ एचजी को लाने का है, है ना? अब मुझे एक बात बताओ, कि यहाँ पे लाइन से देखो एमएम ऑफ एचजी कहाँ पे आ रहा है? एमएम ऑफ एचजी आपका यहाँ पे आ रहा है। कितना एमएम ऑफ एचजी आ रहा है? 760। अब मुझे यहाँ पे एमएम ऑफ एचजी को लाने का है, तो मैं क्या करूँगी, जो भी चीज़ मुझे लानी होती है मुझे उससे क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पे 760 एमएम ऑफ एचजी को क्या करूँगी? मल्टीप्लाई, ठीक है? मुझे हटाने का क्या है यहाँ से? मुझे यहाँ से हटाने का है एटमॉस्फेयर को। तो जो भी चीज़ मुझे हटाने की होती है मुझे उससे क्या करना पड़ता है? डिवाइड, ठीक है? तो यहाँ पे देखो इस सीरीज में एटमॉस्फेयर कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। कितना एटमॉस्फेयर आ रहा है? 1 एटमॉस्फेयर। इसलिए मैं 1 एटमॉस्फेयर से उसको क्या करूँगी? डिवाइड। तो एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा? एमएम ऑफ एचजी में आंसर मिलेगा। तो मैंने इसका आंसर निकाल के रखा है, आप लोग अपना आंसर जरूर टैली करना, छापना मत। आपका उसका आंसर आएगा 3800 एमएम ऑफ एचजी, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये भी कन्वर्शन करते नहीं आते। फिजिक्स में आपको शायद सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में जहाँ पे आप प्रेशर का काम लोगे ना, वहाँ पे भी आपको प्रेशर आता है, ठीक है? फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग, वो जो भी होता है सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन में भी आपको वहाँ पे एमएम ऑफ एचजी में प्रेशर दिया जाता है। आपको वो कन्वर्शन करते ही नहीं आता है, वहाँ पे भी मदद मिलेगी, ठीक है? ले लो उसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखते हैं आगे। ये चीज़ केमिस्ट्री से नहीं है, फिजिक्स से भी इंपॉर्टेंट मिलेगी, फिजिक्स से भी आपको हेल्प मिलेगा 11th हो 12th हो, इसलिए देखो ये सारी चीज़ों को, ठीक है? लास्ट तक देखो, काफ़ी हेल्प मिलेगा। एक ही बार देख लो ना, हमेशा का झंझट इज खत्म। अब आपको मैं बोल रही हूँ कि 10 एटमॉस्फेयर का मतलब कितना टॉर होगा, 10 एटमॉस्फेयर का मतलब कितना टॉर होगा, मैं आपको ये पूछ रही हूँ। तो कैसे करेंगे, आ जाओ इधर, सेम अपना सेम फंडा रहेगा, ठीक है? 10 एटमॉस्फेयर मुझे किस चीज़ को लाना है? मुझे यहाँ पे टॉर को लाना है, मतलब मुझे टॉर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टॉर कितना है? 760 टॉर। मुझे यहाँ से हटाने का किसको है? एटमॉस्फेयर को। और जो भी चीज़ मुझे हटाने की होती है मुझे उससे क्या करना पड़ता है? डिवाइड। तो कितना एटमॉस्फेयर है? 1 एटमॉस्फेयर, उस लिस्ट में देखने का बस, ठीक है? इसको सॉल्व करो और बताओ कितना वैल्यू आता है टॉर में। तो आपका इसका वैल्यू आएगा 7600 टॉर। तो आप इस चीज़ को टैली ज़रूर करना, ठीक है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मैं सारे बेसिक हर टाइप के एग्जांपल ले रही हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है ना, आप किसी लोगों को बस इतना ही पता होता है, बट फिर फिजिक्स में कुछ और आ गया, केमिस्ट्री में कुछ और आ गया, तो क्या करोगे? फिजिक्स में भी इसका हेल्प मिलेगा, नॉट ओनली विथ रिस्पेक्ट टू केमिस्ट्री, फिजिक्स में भी प्रेशर आता है एमएम ऑफ एचजी का, टॉर का भी आता है फिजिक्स में, ठीक है? मैं सिर्फ 12th की बात कर रही हूँ, और 11th में भी आता है, ठीक है? सेकेंड हम लोग लेते हैं, अगर मैंने आपको 20 एटमॉस्फेयर पूछा गया है कि बताओ ये कितना पास्कल होगा, 20 एटमॉस्फेयर मतलब कितना पास्कल होगा आपको पूछा गया है,
तो देखो आप कैसे करोगे, सेम फंडा रहेगा अपना 20 एटमॉस्फियर, ठीक है। आपको लाने का क्या है, लाने का है पास्कल। देखो इधर पास्कल कहाँ पे आ रहा है, मिल गया पास्कल। कितना पास्कल है, 101325। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी 101325 पास्कल से। मुझे हटाने का क्या है, एटमॉस्फियर को हटाने का है, एटमॉस्फियर को हटाने का है। और जो भी चीज़ मुझे हटानी होती है मुझे उससे क्या करना पड़ता है, डिवाइड। कितना एटमॉस्फियर है, एक एटमॉस्फियर उस लिस्ट में देख लेने का, एटमॉस्फियर से एटमॉस्फियर कैंसिल हो गया। तो इसका वैल्यू आपको मिलता है 20, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्योंकि आप लोग टैली जरूर करना, 202650 पास्कल आपको मिलेगा इसका आंसर, ठीक है। ले लो इस चीज़ का भी स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट कन्वर्शन मैं आपको दे रही हूँ कि बताओ 30 एटमॉस्फियर का मतलब कितना किलो पास्कल होगा। के का मतलब क्या होता है, के फोर काइट नहीं बोलना, के फोर किलो बोलने का केमिस्ट्री में, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, 30 एटमॉस्फियर है, 30 एटमॉस्फियर मुझे लाने का क्या है, ध्यान दो, किलो पास्कल लाने का है, ठीक है। किलो पास्कल देखो कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है किलो पास्कल। कितना वैल्यू है, 101.325 किलो पास्कल। तो जो भी चीज मुझे लाना है मुझे उससे क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। मुझे हटाने का क्या है यहाँ से, एटमॉस्फेयर। कितना एटमॉस्फेयर है, एक एटमॉस्फेयर, कैंसिल करो, वैल्यू निकालो। वैल्यू आता है आपका यहाँ पे 2026.5 किलो पास्कल, ठीक है। ये आपका रहेगा वैल्यू। हो सकता है कि आपका कुछ वैल्यू इधर उधर आ रहा हो, तब भी आप मैनेज कर लेना ना, क्योंकि देखो वैल्यू उधर आता है, हमारा कोई कॉम्पिटिशन किसी के साथ नहीं कि हमें एक्चुअली वैल्यू करेक्ट ही चाहिए बिल्कुल। ऐसा हो सकता है कि वैल्यू कभी कभी इधर उधर हो जाए, लेकिन ट्रिक तो अपना सेम ही रहेगा, ट्रिक से वही ट्रिक से कैलकुलेट करने का, ठीक है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपका ले रही हूँ 2 लाख ये है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको काय में कन्वर्ट करने का है, पास्कल में, मतलब आपको यहाँ पे एटमॉस्फेयर लाने का है। और जो भी चीज लाने की उससे क्या करोगे, मल्टीप्लाई। एक एटमॉस्फेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको यहाँ से हटाने का किसको है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को। देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो भी चीज हटानी पड़ती है उसको क्या करते हैं, डिवाइड। तो मैं कर दूंगी डिवाइड 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपका वैल्यू निकल करके आएगा 1.9738 एटमॉस्फियर, ठीक है। अपना वैल्यू जरूर टैली करने का यही आता है क्या, टाइम सेव करने के लिए मैंने कैलकुलेट करके रखा है। ले लो इस चीज का भी स्क्रीनशॉट। मैं दो क्वेश्चन देती हूँ, विल यू सॉल्व फॉर मी। अगर आप सॉल्व करते हो तो प्लीज पुट इट इन द कमेंट्स, आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी ऑल योर आंसर्स इन द कमेंट्स। सो लेट्स सो आई विल गिव यू क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका ये वाला क्वेश्चन, ले लो। पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, बताओ थ्री थाउजेंड टॉर मतलब कितना एटमॉस्फियर होगा। सेकेंड क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, बताओ लेट अस से 5000 mm of Hg मतलब कितना बार होगा। और एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको मैं 10 एटमॉस्फियर का मतलब कितना mm of Hg होगा, ठीक है। जिनको आ गया उनको तो वैल्यू रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट निकाल सकते, कमेंट में जरूर डालना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है प्रेशर कन्वर्शन का पार्ट। अब हम लोग देखते हैं आपके टेम्परेचर के कन्वर्शन को कि कैसे क्या आप टेम्परेचर को कन्वर्ट करोगे, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया, मैंने बहुत सारे मोर देन सफिशियंट एग्जाम्पल्स दिए। ले लो इस चीज का स्क्रीनशॉट, पहले क्वेश्चंस को लिखो और हो सके तो इन क्वेश्चंस को करो आप लोग, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। अब हम लोग ले रहे हैं आपका नेक्स्ट वाला कन्वर्शन का पार्ट, जो है आपका फिफ्थ कन्वर्शन, जिसमें हम लोग ले रहे हैं टेम्परेचर कन्वर्शन। टेम्परेचर कन्वर्शन में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। देखो काम की चीज क्या है, पता है क्या, आपको क्वेश्चन में एग्जामिनर कभी भी टेम्परेचर केल्विन में देता नहीं है, वो आपको डिग्री सेल्सियस में देगा। आप लोग इतने घाई घाई में होते पेपर में, डायरेक्ट क्वेश्चन से डिग्री सेल्सियस उठा के अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते और आंसर क्या आता है, गलत। तो
आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर का जो केल्विन यूनिट है ना, वो ऐसा यूनिट है, केल्विन डिग्री सेल्सियस नहीं है। तो और आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो जनरली आप टेम्परेचर को कायम लेते हो ऐसा यूनिट में, क्योंकि सारे टर्म्स को हम लोग ऐसा यूनिट में लेते हैं। तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन। ठीक है, तो ये टेम्परेचर के दो यूनिट होते हैं, एक होता है ये और एक होता है ये। ठीक है, इसका मतलब होता है डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब होता है केल्विन। और हम लोगों को टेम्परेचर को कायम रहने का केल्विन, क्योंकि केल्विन कैसा यूनिट है? ऐसा यूनिट है। और न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त जनरली हम लोग कायम लेते हैं ऐसा यूनिट में। ठीक है, समझ गया। चलिए देखते हैं कन्वर्जन कैसे क्या करेंगे। जो भी आपका टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर इन केल्विन का मतलब होता है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सुनो, 273.15 है, ऐसा नहीं कि अपने मन से 273 को याद रखो, पूरा टर्म याद रखने का 273.15, ये टर्म पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, गड़बड़ गया होगा आंसर, आंसर इधर उधर आएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर इन केल्विन, के फॉर केल्विन का इतने के फॉर केल्विन इक्वल्स टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ये फॉर्मूला एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आएगा। केमिस्ट्री में कहाँ आता है इसका कन्वर्जन का काम, मैं बताती हूँ। जो आपका सेकेंड चैप्टर है ना, सोल्यूशन केमिस्ट्री, सोल्यूशन 12th स्टैंडर्ड में, 11th का तो देखने का है। तो सोल्यूशन केमिस्ट्री में आपको फ्रीजिंग पॉइंट आता है, बॉइलिंग पॉइंट आता है। फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों क्या है? आपके टेम्परेचर। यहाँ पे जब आपका न्यूमेरिकल आएगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो वहाँ पे आपका न्यूमेरिकल में एग्जामिनर आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में देगा। बट आप जब यूनिट्स सॉल्व करोगे ना, जब आप कन्वर्शन करोगे, तो आपको सबसे पहले कैलकुलेशन से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्शन। अगर कन्वर्ट नहीं किया, कैलकुलेशन डायरेक्ट किया, तो आंसर क्या आएगा? रॉन्ग। ठीक है, देखते। अगर सपोज मुझे दिया जाए, बताओ 5 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन होगा, पूछा गया है। 5 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन होगा, तो कैसे करेंगे? देखो इधर, टेम्परेचर इन केल्विन में मुझे निकालना है। तो टेम्परेचर इन केल्विन का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, है ना। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कितना दे रखा है? 5 प्लस 273.15। करो उसको सॉल्व, कितना आता है। और आप लोग इस चीज का वैल्यू निकाल सकते हैं। आई थिंक सो 278.15 आएगा, जरूर चेक करना, क्योंकि आई एम नॉट दैट मच परफेक्ट इन कैलकुलेशंस। ठीक है, तो ये रहेगा आपका आंसर केल्विन में। ठीक है, देख लेना, 5 ही आता है, इतना ही आता है क्या? ठीक है, समझ गया। चलिए, ये तो हुआ आपका पहला कन्वर्शन, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्मूला ही आना चाहिए। नेक्स्ट लो, अगर मैं आपका सेकेंड वाला एग्जाम्पल लेती हूँ, लेटेस्ट से मैंने आपको बताया है कि बताओ 8 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन होगा। क्या करेंगे? इतना पूरा लंबा चौड़ा फॉर्मूला लिख के अपना समय बर्बाद करने का जरूरत नहीं है। There is no need to waste the time. Just you need to write the things directly. ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे है 8 डिग्री सेल्सियस, आपको कन्वर्ट कायम करना है केल्विन में। कुछ भी नहीं करने का, डायरेक्टली 273.15 को ऐड कर देने का। जैसे आप बहुत सारी चीज़ों को रट्टा मार लेते हो ना, एक फॉर्मूला प्रेशर, एक आप नंबर प्रेशर का याद कर लो 1, ठीक है, 760 101 325, मोबाइल नंबर के जैसे याद कर लो, इसको भी याद कर लो 273.15, बिल्कुल ऐसा याद होना चाहिए, कभी भी उठ के पूछ लिया तो। ये टर्म इधर उधर हो गया तो गए काम से, पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करके देख लेना कितना वैल्यू आता है। ठीक है, आप लोग करना इसको सॉल्व, केल्विन में कितना आता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपको पूछ लूँ 15 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन होगा, तो कैसे निकालेंगे? देखो इधर वही वाला सेम फॉर्मूला है, 15 डिग्री सेल्सियस क्या मिलाना पड़ता है? 273.15। तो वैल्यू आपका जो भी आएगा वो काय में आएगा, वैल्यू आएगा आपका केल्विन में, समझ गया। तो आप इसको कैलकुलेट करना, एडिशन इट्स नॉट अ बिग थिंग फॉर यू। ठीक है, चलिए अब एक और कराती हूँ मैं, वो काम का है, ध्यान दो। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलिए देखते उस चीज को। अगर मैंने आपको ये वाला पूछ लिया है, ये वाला, ठीक है, मैं अगर आपको पूछती हूँ ये वाली चीज, लेटेस्ट से 25 डिग्री सेल्सियस बहुत जगह पे आता, बहुत जगह पे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैसे करोगे? देखो इधर, उसको पूछा गया है कितना केल्विन होगा,
कैसे करेंगे? जितना भी आपका डिग्री सेल्सियस है ना, डिग्री सेल्सियस क्या मिलाने का है? 273.15 मिला दो, 273.15 कितना वैल्यू आता है? 298.15 केल्विन, 298.15 केल्विन, याद कर लो इतना। हमेशा 0.15 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 0.15 है, भूलने का नहीं। ले लो इस चीज़ का भी स्क्रीनशॉट, मैं दो एग्जांपल होमवर्क दे दूँ, प्लीज़ कर लेना, कमेंट में ज़रूर डालना। 17 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन होगा? ये है आपका पहला होमवर्क। अगर आप लोग क्लास मतलब ये करते हो, कमेंट में डालते हो, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, 35 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन होगा? इसको भी निकाल के डाल दो कमेंट में, क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट्स देखती हूँ। ठीक है, तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब लास्ट कन्वर्शन बचता है, यहाँ पे फिर ये पूरे खत्म हो जाएगा। लास्ट कन्वर्शन है आपका डेंसिटी कन्वर्शन। डेंसिटी कन्वर्शन का काम कहाँ पड़ेगा बताती हूँ। डेंसिटी कन्वर्शन का काम आपको पड़ेगा फिर से सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर 12th स्टैंडर्ड का, 11th में तो आएगा ही आएगा। डेंसिटी कन्वर्शन में आप देखते हो कि आपको कभी कभी डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में दी होती है, कभी कभी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, आपको आता ही नहीं वहाँ पे कन्वर्ट करते, और आपको आप उसी वैल्यू को लेकर सॉल्व करते हो, गलत करके आ जाते हो। ठीक है, तो देखते हैं कैसे क्या कन्वर्ट होगा। वहाँ पे कन्वर्शन करते बैठते हो, अपना खूब सारा समय वहाँ पे वेस्ट कर देते हो, और वो आंसर गलत करके आते हो। तो उससे बेटर है कि हम लोग उस एक पर्टिकुलर वैल्यू को याद कर लें। सो नेक्स्ट वाला जो आपका लास्ट कन्वर्शन है वो क्या है? डेंसिटी कन्वर्शन। जिसने मेरे ये दोनों बेसिक वीडियोज देख लिए है ना, मैं उनको गारंटी देती हूँ, उनको बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत ज़्यादा। न्यूमेरिकल को गलत नहीं करेंगे वो। ठीक है, डेंसिटी सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब मैं डेंसिटी को लिखती हूँ, तो डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रो से। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? मास, आप सब्जियां काय में खरीदते हो? केजी बोलते हो ना कि एक किलो भिंडी दो, दो किलो भिंडी दो, किलोग्राम। हाँ, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या होता है? मीटर क्यूब। बेसिक कन्वर्शन के पार्ट वन में भी हम लोगों ने देखा था कि लीटर को आप लोग मीटर क्यूब भी बोलते हो, सेंटीमीटर क्यूब के टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। याद करो उस चीज को, एक ऊंची एक लंबी एक चौड़ी पानी की टंकी इक्वल्स टू 1 ml, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, चलिए अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है कि ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कैसे होगा। ठीक है, जिनको समझना है वो लोग समझो, जिनको नहीं समझा वो लोग डायरेक्टली जो इंटरप्रिटेशन आएंगे उसी को याद कर लेना। ठीक है, बताती हूँ मैं। देखो इधर 1 kg/m³ है। ठीक है, तो 1 kg का मतलब होता है 1000 grams। ठीक है, 1 meter का मतलब क्या होता है? 100 cm, 100 cm, 100³ सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 10³ ग्राम, और 100 का क्यूब मतलब क्या हो जाएगा? 10⁶, है ना, 2 0 है, 3 2 6 सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये ऐसा रहता है 10³, 10⁶ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -6, है ना। इसी का मतलब 3 - 6 कितना होता है? -3, तो -3 g/cm³। जिसको ये चीज इतनी पूरी नहीं आ रही है समझ में, इतनी राम कहानी नहीं जानना है, वो लोग डायरेक्ट देखो 1 kg/m³ का मतलब क्या होता है? 10⁻³ g/cm³। पता होनी चाहिए ये चीज़। हाँ, ये आएगा क्योंकि डेंसिटी वाले कैलकुलेशन में आएगा। डेंसिटी निकालते हो ना यूनिट सेल का, पार्टिकल्स का, सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस को, एक दो क्वेश्चन किए बिना तो चीजें नहीं होती है ना सॉल्व। पहला क्वेश्चन मैं ले रही हूँ आपका, अगर मुझे दिया जाए 5 kg/m³ और पूछा जाए बताओ कितना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो कैसे करेंगे? आ जाओ इधर देखो, ध्यान से देखना, एक बार समझ गया फिर समझ गया। 1 kg/m³ का मतलब कितना होता है? 10⁻³ g/cm³। तो 5 kg/m³ का मतलब कितना होगा? 5 × 10⁻³ g/cm³, है ना। देखो 5 kg/m³ का मतलब कितना होगा? 5 kg/m³ का मतलब क्या हो जाएगा? 5 × 10³ g/cm³। आ गया ना कन्वर्ट करते। आ जाओ इधर, अगर मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल दे दूं, बताओ 15 kg, इसको मिटा देते हैं, इसका कुछ काम ही नहीं है।
अगर मैंने आपको पूछा है बताओ 15 केजी पर मीटर क्यूब का मतलब कितना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो कैसे करेंगे? देखो इधर, 15 केजी पर मीटर क्यूब, 1 केजी पर मीटर क्यूब का मतलब 10^-3 होता है, तो 15 केजी पर मीटर क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा, 15 × 10^-3, है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 × 10^-3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, बस इससे मल्टीप्लाई करने का और कुछ भी नहीं करना है। चलो, जिसको ये चीज आ गई, क्या वो एक और चीज निकाल सकता है क्या? देखो इधर, अगर मुझे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर मीटर क्यूब के टर्म्स में लिखने का है तो मैं कैसे लिखूंगी? देखो इधर, 1 केजी पर मीटर क्यूब का मतलब 10^-3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ 10^-, तो मैंने इसको उल्टा कर दिया है, तो माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस, तो 10^+3, समझ गया ना? इसको मैंने इधर कर दिया है, इसको इधर, तो माइनस का उल्टा प्लस हो जाएगा, समझ गया? चलो इसके भी एग्जांपल करते, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका एग्जांपल एक करवा लेती हूँ ताकि आपको वो भी आ जाए। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये वाला एक एग्जांपल मैंने जो दिया है वो है आपका ये वाला, बताओ 15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब कितना केजी पर मीटर क्यूब होगा, तो देखो इधर, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब मतलब 10^+3 केजी पर मीटर क्यूब होता है, तो 15 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा, 15 × 10^+3 ग्राम केजी पर मीटर क्यूब। यूनिट को बराबर देखने का, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर, कुछ तो भी मल्टीप्लाई कर दिया इधर उधर, ऐसा नहीं करने का, बराबर देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड में ये है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में, राइट में ये है इसलिए ये है, तो मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, समझ गया? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड कमेंट टू, कमेंट्स में आंसर जरूर डालना, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स, आई विल वॉच द कमेंट्स टू। ठीक है, सब्सक्राइब करो टू आवर टीम, बिकॉज ये आपके हमारा मतलब हमारे लिए काफी हेल्पफुल होता है। थैंक यू वेरी मच।